एक गिलास पियो और अपना सेक्स पावर तथा स्टैमिना बढ़ाओ। एक घरेलू उपचार मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका है अपना सेक्स पावर बढ़ाने का। तो चलो आइए उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग आते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशंस करते रहते हैं, बोलते हैं कि भाई हमारा स्टैमिना दिखता नहीं है, इरेक्शन आता नहीं है, लैंगिक कठोरता आती नहीं है, या फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को जो है वो है जल्दी गिर जाना, जल्दी निकल जाना। लोग छोटा हो गया लिंग या लिंग सिकुड़ गया करके भी बहुत लोग आते रहते हैं। होमोसेक्सुअलिटी के वजह से डिप्रेशन है, एंग्जाइटी, उससे लोग बहुत परेशान है, बहुत प्रेशर है उनको कि भाई नहीं, उसमें नहीं रहने का है हमको, हमको अभी शादी करना है लड़की से, और वो भी लोग काफ़ी आते रहते हैं। तो ये सभी को काफ़ी सारी एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो मैं ऐसा आपको नुस्खा बताऊंगा जिससे एंग्जाइटी डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा या ख़त्म भी हो सकता है पूरा, और सेक्स पावर भी बढ़ेगी। क्या है कि हमारे दिमाग में खुशी का रसायन है जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन। ब्रेन जो है वो सेरोटोनिन तैयार करने की फैक्ट्री है। सेरोटोनिन से हमको बहुत पॉजिटिव फीलिंग आता है, खुशी लगती है, और सेक्स करने की इच्छा बढ़ती है, डिप्रेशन कम हो जाता है। जो लोगों को डिप्रेशन है उनमें सेरोटोनिन लेवल जो है वो कम पाई गई है। आपको याद होगा बचपन में आप कभी इरिटेबल हुए होंगे, अकेले बैठे होंगे और आपने एक कप दूध ले लिया, आपके दादी ने बड़े प्यार से आपको दूध ला के दिया, दूध पिया और आपको अच्छा लगने लगा। ये कैसे होता है? क्योंकि दूध में सेरोटोनिन बढ़ाने की ताकत है, पावर है। तो मैं आज आपको ऐसा एक ट्राई बताने वाला हूँ 3-in-1 कि जिससे आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन के साथ साथ, मतलब वो तो कम होगा ही होगा, सेक्स पावर भी बढ़ेगी। ट्रायो है दूध, केशर और शहद। आपको बताऊंगा कि फर्स्ट नाइट में आप कमरे में लेते हैं और ग्लास का दूध लेके नववधू कमरे में एंटर करती है, उसको केशरयुक्त ग्लास का दूध लेकर अंदर भेजा जाता है, और हम वो सिनेमा में देखते हैं और घर में आज भी प्रैक्टिस होती है। वो क्यों? क्योंकि इसमें भी सेक्स पावर बढ़ाने की ताकत है। वो कैसी है कि देखो, जैसा मैंने पहले बताया कि मिल्क सेरोटोनिन प्रोडक्शन बढ़ाता है। केसर या सेफ्रॉन जो है वो है मूड एनहांसर, मूड एनहांसर। एंग्जाइटी कम होती है, डिप्रेशन उससे कम होता है, और शहद जो है वो भी मूड एलिवेटर है। तो आपने क्या करना है, एक गिलास दूध लेना है रोज रात को सोने के पहले। दूध उबालने का नहीं है, गर्म दूध है, और उसमें 5 या 6 केसर के रेशे डालने के। अब ये केसर जो है, या ये जो है ये ईरानी या कश्मीरी केसर आपको मिल सकता है, गूगल से आप मंगवा सकते हैं, और 5-6 केसर के रेशे डालने के बाद उसमें शहद 1 चम्मच डालना है, उसको अच्छा घोलने का है। ऐसा लगा आपको कि एक चुट्टी शक्कर डाल सकते हैं आपको यदि चाहे तो, नहीं लिया शक्कर तो बहुत अच्छा है। और ये आप गिलास, जिसमें 1 गिलास दूध, केसर 5-6 रेशे और 1 चम्मच शहद, तो ये आप लेते हैं, अच्छा घोल के पी लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। या आपको 3 महीने तक लेना है रोज। देखो, जिसको दूध की एलर्जी है उन्होंने ये नहीं लेना चाहिए। शहद और केसर गर्म होता है, तो जिनकी गर्म प्रवृत्ति है, पित्त की प्रवृत्ति, उन्होंने नहीं लेना चाहिए, और गर्मी के दिनों में नहीं लेना चाहिए, बाकी ठंड के दिन में तो बिल्कुल ले ही सकते हैं। आप 3 महीने लेके देखो, आपकी एंग्जाइटी कम होगी, डिप्रेशन कम होगा, सेक्स प्रॉब्लम के अराउंड जो एंग्जाइटी डिप्रेशन है वो कम हो जाएगा, सेक्स पावर बढ़ेगी, आपका स्टेमिना टिकेगा, आपको जल्दी निकल जाने की यदि प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी, और लैंगिक कठोरता में फ़ायदा जरूर होगा। आपको जो भी फ़ायदा होगा वो आप चैट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये घरेलू उपचार बहुत ही कारगर है, आप इस्तेमाल करके देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हैं। थैंक यू वेरी मच।